अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक अनदर वीडियो। दिस इज मलिक अमजद, आप देख रहे हैं टेक्निकल बेस्ड चैनल। तो गाइस, फाइनली आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Xiaomi C स्मार्टफोन की। ये स्मार्टफोन इंटरनेशनल मार्केट और चाइना के अंदर लॉन्च हो चुका है। नो डाउट Xiaomi कंपनी ने स्मार्टफोन के डिजाइन के ऊपर काफी आउटस्टैंडिंग काम किया है और ये स्मार्टफोन पाकिस्तान में रीब्रांड होकर लॉन्च होने वाला है। यानी कि आपको स्मार्टफोन का नाम पाकिस्तान में पोको X4 या फिर पोको X4 प्रो देखने को मिलेगा। और स्मार्टफोन की तमाम तरह स्पेसिफिकेशन, प्राइस और लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ बात करेंगे स्मार्टफोन की प्राइस पाकिस्तान में क्या होने वाली है और कौन से स्पेसिफिकेशन के साथ ये मोबाइल फोन पाकिस्तान में लॉन्च होगा और इस मोबाइल फोन की लॉन्च डेट क्या होने वाली है। कंप्लीट डिटेल के साथ आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए मैं जैसे वीडियो अपलोड करता हूँ। तो गाइज, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे Xiaomi C स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन की। सेकंड नंबर पर डिस्कस होगी इस मोबाइल फोन की प्राइस और लॉन्च डेट, और लास्ट में मैं अपना फाइनल ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। सो गाइस, बात स्टार्ट कर लेते हैं स्मार्टफोन के बिल्ट एंड डिजाइन से। डिजाइन आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यह स्मार्टफोन चार कलर में आएगा। इस स्मार्टफोन के बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा का सेटअप है। फ्रंट पे आपको सेंटर में टीनी पंच होल कैमरा दिया गया। फ्रंट पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन भी दी गई है। इस स्मार्टफोन का वेट 166 g है। ये स्मार्टफोन वेट में बहुत ज्यादा हाइट होने वाला है और आपको अच्छी हैंड फील भी प्रोवाइड करेगा। सो गाइस, बात करेंगे स्मार्टफोन के डिस्प्ले साइज की। स्मार्टफोन का डिस्प्ले साइज 6.55 इंचेस का है, साथ आपको 85.5% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी दी गई है। अगर बात करें रेजोल्यूशन की, स्मार्टफोन पर 1080 की रेजोल्यूशन दी गई है और साथ आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया जाएगा। अगर बात करें स्मार्टफोन के प्रोटेक्शन की, प्रोटेक्शन के लिए स्मार्टफोन पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन दी गई है और साथ आपको ओलेड का पैनल दिया गया। अगर बात करें नेट स्पीड की, तो स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर आपको 950 के नेट स्पीक दिए गए जो स्मार्टफोन को और भी ज्यादा यूनिक बनाते हैं। स्मार्टफोन का डिस्प्ले बहुत ज्यादा सॉलिड है। नो डाउट Xiaomi कंपनी ने स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर काफी अच्छा काम किया है। सो गाइस, अब बात करेंगे स्मार्टफोन के वेरिएंट्स की। स्मार्टफोन के तीन वेरिएंट्स लॉन्च होंगे। जो सबसे पहला वेरिएंट है वो 8GB रैम और 128GB रोम के साथ होगा। अगर बात करें इसके सेकंड वेरिएंट की, वो 8GB रैम और 256GB रोम के साथ लॉन्च होगा। अगर बात करें थर्ड वेरिएंट की, वो 12GB रैम और 512GB रोम के साथ लॉन्च होगा। अगर बात करें पाकिस्तान में कौन सा वेरिएंट स्मार्टफोन का लॉन्च होगा, जो कि पहला वेरिएंट है यानी कि 8GB रैम और 128GB रोम के साथ होगा। बाकी दोनों वेरिएंट्स का अभी तक कोई पता नहीं है पाकिस्तान में लॉन्च होते हैं या नहीं। सो गाइस, साथ बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की बैटरी की। तो स्मार्टफोन के साथ 4500mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, साथ 50W का फास्ट चार्जर आप इस मोबाइल फोन के साथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्मार्टफोन के साथ 50W का फास्ट चार्जर इस मोबाइल फोन के बॉक्स के साथ नहीं दिया जाएगा। सो गाइस, बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की चिपसेट की। स्मार्टफोन पर आपको Qualcomm Snapdragon 778G की 5G की चिपसेट दी गई है। अगर बात करें गेमिंग परफॉर्मेंस की, आप कोई भी हैवी गेम स्मार्टफोन पर आसानी के साथ रन कर सकते हैं। गेमिंग वाइज आपको स्मार्टफोन पर किसी भी किस्म का मसला देखने को नहीं मिलेगा। अगर बात करें स्मार्टफोन के कैमराज की, तो बैक साइड पर ट्रिपल कैमराज का सेटअप है। मेन कैमरा 64MP का और सेकेंडरी कैमरा 8MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा होगा। अगर बात करें स्मार्टफोन के थर्ड कैमरा की, वो 2MP का मैक्रो कैमरा, साथ आपको LED फ्लैश भी दी गई है। मेन कैमरे से आप 4K तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर बात करें स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा की, फ्रंट पे आपको टीनी पंच होल कैमरा दिया गया है जो कि 32MP का होगा और फ्रंट कैमरे से आप 2K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो गाइस, अगर बात करें स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, इस स्मार्टफोन के साथ आपको एंड्रॉइड V11 का सॉफ्टवेयर रन करता हुआ नजर आएगा। अगर बात करें फिंगरप्रिंट की, फिंगरप्रिंट स्मार्टफोन के साइड माउंटेड दिया गया है और नो डाउट स्मार्टफोन पर आपको USB-C टाइप देखने को मिलेगी। अगर बात करें स्मार्टफोन की प्राइस की, तो पाकिस्तान में स्मार्टफोन की प्राइस 70,000 एक्सपेक्ट की जा रही है और स्मार्टफोन की प्राइस इंडिया में क्या होने वाली है, तो इंडिया में स्मार्टफोन की प्राइस 35,000 होने वाली है। सो गाइस, बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की। ये स्मार्टफोन नवंबर के सेकंड वीक में पाकिस्तान में लॉन्च होने वाला है। तो गाइस, अगर आपको ये स्मार्टफोन पसंद आया तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है। अकॉर्डिंग टू लीक्स और रूमर्स, वो तमाम तरह स्पेसिफिकेशन जो अभी तक स्मार्टफोन की ली गई थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी मजीद वीडियोस को वॉच करने के लिए हमारे चैनल टेक्निकल बेस्ट को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए मैं जैसी वीडियो अपलोड करता हूं। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मोबाइल फोन के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।